नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में विवाह का बेहद महत्व होता है। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार प्रमुख माना जाता है। देखा जाए तो विवाह की नींव पर जीवन के बहुत से आवश्यक संस्कारों का भवन खड़ा होता है, जैसे गर्भाधान संस्कार, जन्म संस्कार, उसके बाद मृत्यु तक के भी सभी संस्कारों का आधार विवाह पर ही टिका है। अतः सही समय पर विवाह का होना आवश्यक है, फिर भी कई बार ऐसा नहीं हो पाता। विवाह में बाधाएं एक के बाद एक खड़ी होने लगती हैं, जिससे विवाह में विलंब होता जाता है। विवाह में बाधा के कारण जहां जातकों की उम्र निकलती जाती है, वहीं उनके माता पिता भी कष्ट में रहते हैं। विवाह में बाधा या विलंब कई कारणों से हो सकता है और विवाह की बाधाएं मिटाने वाले बहुत से उपप्रयोग लाल किताब ज्योतिष में डिस्कस किए गए हैं। ये उपाय विवाह में बाधा दूर कर शीघ्र विवाह करने में बहुत सहयोगी होते हैं। अब विवाह में अगर बाधा आ रही है, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसके लिए जन्म पत्रिका का विस्तृत अध्ययन करना जरूरी है। अगर आप भी विवाह में विलंब से परेशान हैं, तो आप विशेष परामर्श लेने के लिए हमारी वेबसाइट पर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का दिया गया है। इस वीडियो में लेकिन विवाह की बाधा मिटाने का एक अद्भुत और बहुत ही उपयोगी प्रयोग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसे बताई गई विधि अनुसार जरूर आजमाएं। भगवान ने चाहा तो आपके विवाह के योग बहुत ही जल्द बनेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे यही निवेदन है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब ये जो उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आपको किसी भी गुरुवार यानी थर्सडे से शुरू करना है, लेकिन अच्छा हो अगर ये शुक्ल पक्ष से शुरू करें आप तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो अगर शुक्ल पक्ष दूर है आपको लगता, तो आप ये कर सकते हैं, आप जिस भी गुरुवार से प्रारंभ करना चाहें इस उपाय को, तो आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए गुरुवार को दोपहर के समय एक प्लेट में 2 केले, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ी सी पीली मिठाई और 3 हल्दी की गांठें लेकर किसी भी केले के वृक्ष पर शुद्ध घी का दीपक और धूप बत्ती अर्पित करें। देव गुरु बृहस्पति से आप अपने विवाह में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त करने का निवेदन करें और प्रणाम करके हल्दी की गांठें छोड़कर जितनी भी सारी सामग्री आप ले गए हैं, वो किसी गाय को खिला दें। आप चाहें तो उसी टाइम खिला सकते हैं, नहीं तो उसी दिन में किसी और समय पर खिला सकते हैं। जो हल्दी की गांठ आप घर आप वापस लेके आएंगे, वो हल्दी की गांठें आप संभाल के रख लीजिए घर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर। अगले गुरुवार को पुनः ये क्रिया करेंगे। इस प्रकार से लगातार 7 गुरुवार तक आपको ये उपाय करना है। 7वें गुरुवार यानी 7वें थर्सडे को पूजन करके सारी हल्दी की गांठ एकत्रित करके निकट के किसी भी विष्णु मंदिर में आप ये अर्पित कर दें। पहले पूजा करेंगे आप और एक पीली रेशमी चुनरी लेकर जाएंगे, जिसके किनारे पर लाल गोटा लगाओ, उसमें सारी हल्दी की गांठें रख के आप भगवान को अर्पित कर दें। उन सभी गांठों में से एक गांठ सिर्फ उठाकर प्रणाम करके अपने घर पर आ जाएं। अब उस हल्दी की गांठ को पीसकर उसका चूर्ण बना लें। उस चूर्ण के साथ कुछ अलग से हल्दी मिला लें जो आपके घर पर रखी हो। उसको 2
अलग अलग स्थान पर रख लें, यानी उसके दो पैकेट्स बना लें या दो बॉक्सेस में रख लें। अब एक स्थान की हल्दी चूर्ण से, जो आपने चूर्ण बनाया है, उसमें से आधी चुटकी हल्दी स्नान के जल में मिलाएं और उस जल से स्नान करें, और स्नान के बाद दूसरे स्थान की हल्दी, जो दूसरा पैकेट आपने बनाया था या दूसरा बॉक्स आपने रखा था, उस हल्दी में से थोड़ा सा उसमें केसर मिलाकर तिलक कर लें, और इस प्रकार जब तक आपका विवाह नहीं होता आप इस उपाय को बहुत श्रद्धा से करते रहें। प्रभु कृपा से आपके विवाह में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होकर अतिशीघ्र विवाह का योग बनेगा। अब कई बार हमारे पास ऐसी क्वेरीज भी आती हैं कि जो लड़का है या लड़की है जिसका विवाह होना है, वो किसी कारणवश ये उपाय नहीं कर पा रहे, तो उस केस के अंदर उनके कोई भी ब्लड रिलेटिव्स, चाहे उनके माता पिता हो या कोई और ब्लड रिलेटिव हो, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। और लेकिन जो नहाने का उपयोग करना है वो तो लड़का या लड़की उसी को करना होगा और तिलक भी उसी को लगाना होगा। बस केले के वृक्ष तक जाने की जो क्रिया है वो माता पिता या कोई भी ब्लड रिलेटिव कर सकता है। आप ये उपाय करें, जरूर आपको इसमें सफलता मिलेगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं विवाह में, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या बात ही नहीं बन पाती, तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर फ़ोन या पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।